Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. अब हम study करने जा रहे हैं Class 9 Maths Exercise 6.2 Question 1 In figure 6.23, if AB parallel to CD, CD parallel to EF and Y ratio Z is equal 3 ratio 7, find X. Students, यहाँ पर आपको ये figure दी गई है. इसमें आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो स्टूडेंट, यहां आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी. ये ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ. और ये सी डी है ना, ये ई एफ के पैरेलल है. इट मीन्स ये और ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है. मीन्स ये थ्री साइड, ये तीनों साइड पैरेलल हैं. दैट्स ओके. अब देखो ये एंगल एक्स प्लस वाई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 180. क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं. जब दो लाइन पैरेलल हो, उन्हें कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो एक ही साइड के ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, इनका सम 180 होता है. इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. ओके. और एक चीज और, आप रेशो सॉल्व करना तो जानते होंगे. जैसे ये वाई रेशो जेड है ना, इज इक्वल 3:7. यदि आप नहीं जानते हो तो हम बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करें कि आप वाई को 3x ले लें और जेड को 7x ले लें. ओके. यहां नोट करें, लेट्स एंगल एक्स इज इक्वल 3x और यह एंगल वाई क्या लेना है 7x. तो यह एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या होगा 180. क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. यहां ब्रैकेट में नोट कर दें, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. देखो एंगल एक्स कितना है 3x, तो इसके प्लेस पर 3x यूज करें. प्लस एंगल वाई कितना है 7x, तो यहां 7x यूज करें. इज इक्वल 180 है ही है. यह 3x और 7x कितने हो गए 10x. इज इक्वल क्या है 180 डिग्री. तो यहां से x इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री बाय 10 इज इक्वल 18 डिग्री. आपने एंगल x कितना लिया है 3x. यहां नोट करें, एंगल x इज इक्वल 3x. ये 3 अपने प्लेस पर और x की वैल्यू आपने 18 फाइंड की है. 18 थी जा 54 डिग्री. और एंगल y क्या है 7x, या 7 अपने प्लेस पर और x की वैल्यू है 18 डिग्री. 18 से बन जा 126 डिग्री. अब आपने एंगल z और फाइंड करना है. देखो एंगल x और z ये हैं ऑल्टरनेट एंगल. एंगल जेड इज इक्वल एंगल एक्स इज इक्वल 54 डिग्री. इसका रीजन नोट कर दें, ऑल्टरनेट एंगल. ओके.